नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बिना पीएसपी बैज वाले ई रिक्शा चालकों और मालिकों के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार दिल्ली के ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों की मदद करने के लिए पीएसपी बैज धारकों को 5,000 रुपया मदद मुहैया करा रही है थी। लेकिन इसी बीच सरकार को यह जानकारी मिली कि हजारों ई रिक्शा मालिकों और चालकों के पास पीएसपी बैज नहीं है। इसलिए आज सोमवार को कैबिनेट ने फैसला लिया कि सरकार ऐसे सभी रिक्शा चालकों और मालिकों को 5,000 रुपये की सहायता देगी। दिल्ली सरकार राजधानी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। हालांकि अब ये ड्राइवर और मालिक को फायदा नहीं होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। अब केवल उन्हीं लोग को फायदा होगा जिनके पास पीएसपी बैज नहीं है, वही आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद।